दोस्तों, कई बार हम हमारी वीडियोस पर कुछ ऐसी चीज़ें यूज कर देते हैं जो सभी के साथ शेयर नहीं कर सकते हैं। जैसे कि अगर हम कोई वेरिफिकेशन वाला वीडियो बना रहे हैं, किसी चीज़ का वेरिफिकेशन करके बता रहे हैं, तो वहाँ पर कई बार हमको मोबाइल नंबर या ईमेल एड्रेस या पासवर्ड डालकर बताना होता है और वो हम किसी के साथ शेयर नहीं कर सकते हैं। ऐसे में अगर आप ब्लर सिस्टम जानते होंगे, ब्लर करना जानते होंगे, तो आपका वीडियो भी कम्प्लीट बन जाता है और वहाँ पर आपकी प्राइवेसी भी सेव रहती है, वहाँ पर आपको कोई खतरा नहीं होता है। तो दोस्तों, आज के वीडियो में मैं यही बताने वाला हूँ कि आप ब्लर कैसे कर सकते हैं। तो आज के वीडियो में मैं काइन मास्टर का यूज करके बताऊंगा कि आप कैसे ब्लर कर सकते हैं। तो वीडियो बहुत ही इंटरेस्टिंग है, बने रहिएगा वीडियो के साथ। लेकिन उससे पहले अगर आपने लाइक नहीं किया तो एक लाइक जरूर कर दीजिएगा, क्योंकि आपके एक लाइक से हमको बहुत ज़्यादा मोटिवेशन मिलता है। दोस्तों, इससे पहले भी मैंने एक वीडियो ऑलरेडी बना रखा है जिसमें मैंने बताया है कि कैसे आप काइन मास्टर का यूज करके किसी भी वीडियो के पीछे का बैकग्राउंड रिमूव कर सकते हैं, चेंज कर सकते हैं। तो अगर अभी तक आपने नहीं देखा तो आई बटन पर आपको लिंक मिल जाएगी, वहाँ से आप जाकर देख सकते हैं, लेकिन इस वीडियो को देखने के बाद। तो नमस्कार दोस्तों, मैं विनोद राजपूत एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत करता हूँ वीके टेक्निकल भैया में। तो गाइस, सबसे पहले आना है आपको अपने काइन मास्टर पर। तो कुछ इस प्रकार का पेज आपके सामने ओपन हो जाता है। उसके बाद यहाँ पर आपको एक प्लस का आइकन मिलता है, तो सिंपली आपको प्लस वाले आइकन पर क्लिक करके यहाँ से कोई भी रेशियो सेलेक्ट कर लीजिए। चलिए मैं यहाँ से एक रेशियो सेलेक्ट कर लेता हूँ। तो मैंने यहाँ पर एक छोटा सा वीडियो है जिसमें से कुछ प्राइवेसी है और उनको मैं छुपाना चाहता हूँ। तो चलिए मीडिया में जाता हूँ और उस वीडियो को मैं सिलेक्ट कर लेता हूँ। तो गाइस, ये रहा मेरा वो वीडियो। इसमें मैंने फेसबुक को ओपन करना है और यहाँ पर मैंने अपना ईमेल और पासवर्ड डाला हुआ है, तो वह मैं किसी के साथ शेयर नहीं करना चाहता हूँ, इसको छिपाना चाहता हूँ, ब्लर करना चाहता हूँ। तो चलिए इसको सबसे पहले चलाकर देखते हैं। तो देखिए गाइस, यहाँ से मेरा फेसबुक ओपन हो रहा है। उसके बाद ये देखिए, यहाँ पर आपको मोबाइल नंबर या ईमेल एड्रेस और उसके बाद पासवर्ड डालना है। तो यहाँ से जहाँ से मैंने डालना शुरू किया है वहाँ से मैं इसको ब्लर कर देता हूँ। तो देखिए गाइस, यहाँ से मैंने डालना स्टार्ट किया तो इसको मैं थोड़ा सा पीछे करता हूँ और यहाँ से मैं डालना स्टार्ट करूँगा तो यहाँ से मुझे ब्लर कर देना है जहाँ तक मैं डाल नहीं देता हूँ। तो यहाँ पर आपको आना है लेयर वाले बटन पर और यहाँ पर आपको सेकंड में मिल जाता है इफेक्ट का बटन, तो सिंपली आपको इफेक्ट वाले ऑप्शन पर क्लिक कर देना है। उसके बाद यहाँ पर बेसिक इफेक्ट मिल जाता है, तो सिंपली आपको इस पर क्लिक करके और यहाँ पर आपको गाउसियन ब्लर पर फर्स्ट वाले ब्लर पर क्लिक कर देना है। उसके बाद यहाँ से आपको टिक करना है। उसके बाद इसको आप अपने अनुसार एडजस्ट कर सकते हैं कि आपको कहाँ पर ब्लर करना है। तो मुझे यहाँ ऊपर ही करना है जितने में मैंने ईमेल और पासवर्ड डाला हुआ है, तो इसको मैं इसे एडजस्ट कर लेता हूँ। उसके बाद यहाँ पर आपको सेटिंग का बटन मिलता है, तो आप इससे ब्लर स्ट्रेंथ बढ़ा सकते हैं। तो ये देखिए, मैं इसको अगर बढ़ाता हूँ तो वहाँ पर और धुंधला और ज़्यादा ब्लर हो जाता है, इसको अपने अनुसार आप बढ़ा सकते हैं। तो देखिए, आप इतना बढ़ा लीजिए ताकि किसी को दिखे नहीं। तो देखिए, काफ़ी ज़्यादा फिट हो चुका है और यहाँ पर नहीं दिख रहा है। उसके बाद यहाँ पर आप देख रहे हैं कीबोर्ड पर भी नंबर से चल रहे हैं, तो कीबोर्ड पर भी ब्लर करना है तो फिर से आपको जाना है लेयर वाली बटन पर और इफेक्ट पर क्लिक करके यहाँ से फिर से आपको बेसिक इफेक्ट पर क्लिक करके गाउसियन ब्लर कर लेना है। उसके बाद ये दूसरा वाले ब्लर को भी अपने अनुसार एडजस्ट करके इसको कीपैड पर लगा देना है। तो देखिए, मैंने नीचे कीपैड पर लगा दिया। उसके बाद सेटिंग पर क्लिक करने के बाद इसका भी ब्लर स्ट्रेंथ बढ़ा लेते हैं थोड़ा, तो इसको भी हमने बढ़ा लिया। उसके बाद इसको क्लिक कर देना है और इनकी स्ट्रेंथ वहीं लास्ट तक कर देना है जहां तक आप पासवर्ड और ईमेल और पासवर्ड डालते हैं, और इसका कीपैड को भी यहीं तक लास्ट तक कर लेना है। तो देखिए गाइज, मैंने दोनों को कर लिया। उसके बाद चलिए मैं एक बार इसको चलाकर दिखा देता हूँ। तो देखिए, यहाँ पर मैंने अपना ईमेल और पासवर्ड डाल रहा हूँ लेकिन यहाँ पर किसी को कुछ शो नहीं हो रहा। ये देखिए, सक्सेसफुल मेरा फेसबुक ओपन हो चुका है और यहाँ पर मैंने अपनी प्राइवेसी भी छिपा ली है या ब्लर कर ली है, बचा ली है। तो दोस्तों, मुझे पूरी उम्मीद है कि ये वीडियो आपको जरूर पसंद आया होगा। तो अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करके जुड़ सकते हैं चैनल के साथ, चैनल को सब्सक्राइब करके साथ में बेल आइकन प्रेस कर लीजिए, क्योंकि ऐसे इंटरेस्टिंग और यूजफुल वीडियो मैं लाता रहता हूँ। तो फिर मिलते हैं अगली वीडियो में कुछ अगली जानकारी के साथ। तब तक के लिए टाटा बाय बाय, जय हिंद।